नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीबीए में। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेक्शन में हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, ये वाला जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये आपके पेपर टू में जो सेक्शन थ्री है उसके जो बी सब सेक्शन है उसमें ये टॉपिक कवर होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएशन। क्या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमेशा से था? नहीं, जो बायो के साथ टेक्नोलॉजी है, देखो जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका डीएनए, तो डीएनए आपका बायोलॉजिकल पार्ट है और उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से स्टडी कर सकते हैं, तो वो डीबीटी का पार्ट है। तो डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 1986 में आया, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? 1982 में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी, जो कि कैबिनेट के अंडर में होती है, सेंट्रल कैबिनेट होता है, इसके अंडर में एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी होती है। ये सजेशन देती है गवर्नमेंट को कि आप साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए ये डिसीजन लीजिए, ये डिसीजन लीजिए। तो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ने कैबिनेट से कहा 1982 में कि एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो कैबिनेट ने बोला कि ठीक है। तो कैबिनेट ने क्या कर दिया, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड NBTB की स्थापना कर दी और कहा कि आप हमें इसका पूरा एक चार्ट बना कर दीजिए कि क्या प्रोग्राम चलाने हैं, किस तरीके से सही इंडिया में इसका क्या फ्यूचर होना चाहिए। तो NBTB की स्थापना कर दी गई और इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी NBTB की, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरीके से आने वाले समय में ये जो नया डिसिप्लिन आ रहा है, ये जो नई पढ़ाई आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की, इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इमर्जिंग डिसिप्लिन के बारे में पूरा परफॉर्मा तैयार करेगा। NBTB के जो पहले चेयरमैन थे वो थे MGK मेनन। इसे याद कैसे रखोगे? देखो NBTB में TB आ रहा है ना, टीबी हमारे जीके का पार्ट है, पूछ लेता है टीबी कितने प्रकार की होती है। और तो ये GK मेनन और M और N, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपके दिमाग में आ जाए। NBTB इसके जो चेयरमैन थे वो MGK मेनन थे। इन्होंने इंडिया प्लानिंग कमीशन, उस समय प्लानिंग कमीशन होता था, अब तो नीति आयोग है, तो प्लानिंग कमीशन के अंडर में जो साइंस का एडवाइजरी बॉडी होती है, ये उसके भी मेंबर थे। तो इसके बाद फिर एक और बोर्ड बनाया गया है जिसमें वो सारे सेक्रेटरी थे जो कि कहीं ना कहीं साइंस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। तो इस बोर्ड में वो सारे लोग आए, डिस्कस किया और इन्होंने एक स्कीम तैयार की कि किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे डिस्कशन के बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार हुआ और फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फाइनली फ़रवरी 1986 में स्थापित कर दिया गया। NBTB ने ही फर्स्ट सेक्रेटरी जो चुना था वो डॉक्टर रामचंद्रन को चुना था। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पहले जो सेक्रेटरी थे वो डॉक्टर रामचंद्रन थे। इन्हें आप याद रखेंगे भगवान राम से। भगवान राम ने क्या किया था, लक्ष्मण का बायोलॉजिकल प्रोसेस किया था वो हनुमान जी को भेजकर। तो रामचंद्र से याद रखिएगा, पहले सेक्रेटरी थे। फिर उसके बाद DBT ने एक 10 मेंबर एडवाइजरी कमेटी, ये तो हमारी बात हो गई है कि अलग अलग एजेंसी से जो साइंटिफिक एडवाइज़र आए थे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सेक्रेटरी आपके लिए फर्स्ट सेक्रेटरी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो पहली ऑटोनोमस बॉडी बनी, याद रखना ये इसके अंडर में नहीं थी, ये बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी का काम करने के लिए जो पहली बॉडी बनी थी वो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। देखो इम्यूनो सिस्टम बायो का पार्ट है, इम्यूनोलॉजी ये 1981 में बनी थी। इसे याद कैसे रखोगे, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो देखो लास्ट में ये II1 आ रहा है, यहाँ पर भी वन आ रहा है, तो ये किसके अंडर में लाई गई, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। ये खुद बनी थी 1981 में, लेकिन जब 1986 में DBT आया तो ये उसके अंडर में ला दी गई। और बहुत ही जल्द एक और पुणे में, ठीक है, पुणे से याद रखिएगा कि नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर। तो जो सेल कल्चर है ना, सेल कल्चर CC, तो P, तो आप इसे PC से भी याद रख सकते हैं कि पुणे में सेल कल्चर का सेंटर है। तो जो नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर था पुणे में, उसे भी 1986 में DBT के आने के बाद नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस बना दिया गया। ठीक है, सेल साइंस, तो सेल साइंस SC, और ये कहाँ है, पुणे में। तो आप PSC, एक छोटा सा कोड बना लीजिए, PSC पुणे में क्या है, सेल साइंस का नेशनल इंस्टीट्यूट। फाइन,
फिर उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूट में, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपकी इंस्टीट्यूट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन इंस्टीट्यूट को हम आगे देखेंगे। ये सारे इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस और पब्लिक सेक्टर, इन्हें हम ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। उसके पहले आप ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। देखो अभी जो साइंस इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो याद रखना, जैसे ये हर्षवर्धन ना एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की मदद करने के लिए अंडर में होते हैं स्टेट मिनिस्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन समझो इनका कैसा है। ये DBT जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है MHRD, इसके एक हेड होंगे जो कि एक लीडर होगा, नेता होगा। अभी कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। तो और एंड प्लीज़ मेक मी करेक्ट, ठीक है, 99% जहाँ तक मुझे याद है प्रकाश जावड़ेकर जी ही हैं। इसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो बागडोर संभाल रहे हैं वो स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर की मदद करते हैं। तो स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इनके अंडर में सेक्रेटरी हैं रेणु स्वरूप जी। तो डॉक्टर रेणु स्वरूप अभी इसकी हाल ही में सेक्रेटरी हैं। तो इन्हें कैसे याद रखोगे? अभी बायो क्या देता है? हमें एक नया रूप देता है, ठीक है, तो स्वरूप रूप से याद रखिएगा। तो फिर उसके बाद, हाँ, ये थे हमारे डॉक्टर एस रामचंद्रन जो कि DBT के सेक्रेटरी रहे हैं पहले। और यहाँ पर ये मैंने मंजू शर्मा जी को ऐड किया है। मंजू शर्मा जी शायद पहली वीमेन सेक्रेटरी थी, तो अगर ऑप्शन में आता है तो मंजू शर्मा जी का नाम पहले लिखिएगा। तो मंजू, मंजू शर्मा जी को हम याद कैसे रखें? मंजू को याद रखेंगे हम मैन से। तो मैन बनता कैसे? मन, मंजू, तो इसमें मैन वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये मैन वर्ड आ रहा है, तो मैन पूरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो मंजू शर्मा जी। और मैन को जन्म कौन देता है? एक स्त्री, तो पहली फीमेल सेक्रेटरी जो थी वो मंजू शर्मा जी थी। फिर अभी हाल ही में जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है वो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंडर चला रही है, 2015 से 20 का प्रोग्राम है, हो सकता है इसमें एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए। अब आते हैं हम अपने इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों सिर्फ इंस्टीट्यूट समझना नहीं है हमें, यहाँ पर फोकस है याद करना। तो चलो इन्हें ना याद करते हैं ट्रिक के थ्रू। तो सबसे पहले आता है हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक में देखो ये इस तरीके से एक प्रिंट बनता है ना, ये प्रिंट किसका होता है? हृदय का। तो हृदय से याद रखिएगा हैदराबाद। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? हैदराबाद में। फिर उसके बाद है नेशनल एनिमल, जो एनिमल हैं वो भी हमारे हृदय के बहुत करीब रहते हैं, जैसे अपने यहाँ का अगर कोई कुत्ता है या गाय है या कुछ भी जानवर है, तोता भी है, वो हमारे हृदय के बहुत करीब रहता है, तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी हैदराबाद में है। फिर आता है सेल साइंस, तो इसे हमने PSC से याद रखा था कि पुणे में है सेल साइंस। ओके, तो PSC, तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। फिर आता है ब्रेन रिसर्च सेंटर, ब्रेन किसके अंडर में होता है? सर के अंडर होता है, तो ब्रेन रिसर्च सेंटर है मानेसर में, तो सर के अंदर ब्रेन होता है मानेसर। फिर राजीव गांधी, ये हैं त्रिवेंद्रपुरम राजीव गांधी सेंटर। तो राजीव गांधी के बारे में बता दूं, राजीव गांधी नेहरू फैमिली के तीसरे थे, पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे राजीव गांधी, तो तीसरे तो त्रि थे, तृतीय, तो त्रिवेंद्रम से याद रखना त्रिवेंद्रपुरम। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम। अब फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम कहाँ के लोगों का ख़राब होता है? दिल्ली का। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर उसके बाद प्लांट जीनोम, कहाँ के प्लांटों को ज़िंदगी की ज़रूरत है? दिल्ली के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरा सिटी बसा हुआ है और पूरा पॉल्यूशन है, तो प्लांट जीनोम ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। फिर उसके बाद आते हैं हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हम डॉक्टर के पास जाकर फरियाद करते ना कि डॉक्टर साहब हमें अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। तो हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है, फरियाद से याद रखिएगा। फिर उसके बाद है लाइफ साइंस, तो लाइफ, हमें लाइफ कौन देता है? हमें लाइफ देता है ईश्वर, तो लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल। तो ये देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो IMP इम्फाल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट
इम्फाल से याद रखना, IMP सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, IMP है। फिर आते हैं एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, दोस्तों ये मोहाली में है। मोहाली को कैसे याद रखोगे, एग्रीकल्चर का फूड है वो हम मुँह से खाते हैं तो मोहाली, दूसरी बात कि एग्रीकल्चर सबसे अच्छा पंजाब में होता है तो ये मोहाली पंजाब में है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट याद हो गए, इन्हें याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है। फिर उसके बाद आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के होते हैं। तो देखो वैक्सीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, पल्स पोलियो अभियान नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। फिर कंसोर्टियम, पूरे जनता का कंसोर्टियम कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, गवर्नमेंट। तो वैक्सीन भी कहाँ है, दिल्ली में, और कंसोर्टियम भी न्यू दिल्ली में। लेकिन पूरे भारत के अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो वो बहुत बुलंद होना चाहिए, ये बात याद रखना, तो बुलंद होना चाहिए भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन। ये कैसा होना चाहिए, बुलंद, तो भारत और भारतवासियों की इम्यून सिस्टम बुलंद होना चाहिए, तो ये बुलंद शहर में पॉइंट क्लियर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस लेक्चर को ना अपने फेसबुक आईडी, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं प्लीज़ उसमें जाकर शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल नया है और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब में ऑलरेडी पहले से चैनल हैं, ठीक है, तो कई बार ना इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्लैश नहीं करती हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए आप अगर इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी लेसन्स हैं। लाइक करिए, कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, और ये मेरा फेसबुक लिंक है, इस फेसबुक लिंक में जाकर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो इसमें मैं एक लिंक डाल दूंगा जिसके थ्रू आपको इसके नोट्स की PDF मिल जाएगी। दूसरी बात कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर मैं नहीं डालता हूँ तो प्लीज़ आप में से जो सुन रहा है मुझे एक बार ना रिवाइज़ करवा देना कि सर आपने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं डाला, वैसे मैं डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके PDF का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू फॉर द डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।